दोस्तों, आप सबके मन में हमेशा एक ख्याल जरूर रहता है कि हमारे देश के सर्वप्रथम कलेक्टर कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के सर्वप्रथम कलेक्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास करके नहीं, वो पहले भारतीय कलेक्टर बने थे। वह विश्व विख्यात कवि रविंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। वह लेखक भी थे, कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में काफी योगदान भी दिया था। उनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर हुई थी और बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 1859 में उनका विवाह ज्ञान नंदिनी देवी से हुआ था। उसके बाद 1862 में वह ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए लंदन चले गए। 1863 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। ट्रेनिंग के बाद वह नवंबर 1864 में भारत वापस लौट आए थे। उनकी पहली नियुक्ति बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। उसके बाद अहमदाबाद में 1865 में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर उन्होंने सेवाएं दी। 1862 में उनकी नियुक्ति कर्नाटक के कारावार में जिला न्यायाधीश के रूप में हुई थी। 1897 में महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश के रूप में वह सेवानिवृत्त हुए थे। 1832 से पहले तक सभी प्रशासकीय पदों पर अंग्रेज ऑफिसर ही नियुक्त किए जाते थे, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, और भारतीयों को कभी प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इस कारण अवकाश प्राप्ति के समय तक उनको सिर्फ जिला और सेशन जज के पद पर ही प्रमोशन मिल सका था। 30 सालों तक वह सिविल सर्विस में रहे। रिटायरमेंट के बाद वह कलकत्ता वापस लौट आए थे। उनका निधन 9 जनवरी 1923 को कोलकाता में हो गया था। दोस्तों, हमारे देश के पहले सर्वप्रथम कलेक्टर की ये मोटिवेशन कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।